नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज। आज एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने संवाद के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद, पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी हस्ती हमारे साथ है उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के बिलारी में। एक जगह है, एक गांव है, रुस्तम नगर सहसपुर, वहां से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अजीम, प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, एम सह प्रभारी बरेली मंडल, एम DURCC सदस्य मुरादाबाद मंडल, रेल मंत्रालय भारत सरकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार, मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस बार संवाद कार्यक्रम में जनता के बीच बैठने का मौका मिला, इस बात को लेकर मेरी तरफ से जनता को और YIS न्यूज़ को भी धन्यवाद है। नमस्कार सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये संवाद है, इसका मेन मोटिव है जनता के सवाल जी। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन है आपसे सर, क्योंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी से हैं जी, और केंद्र में आप घटक दल के रूप में हैं NDA के जी। चूंकि आने वाले समय में अभी 2022 की तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को उत्तर प्रदेश में और खास तौर से विधानसभा चुनाव में किस प्रकार देखते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें हम तो पूरे जैसे बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। और वहाँ पे जो है रामविलास पासवान जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी समय जो है राजनीति में दिया, 5-5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और बिहार के अंदर उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है उनका। अब उन्होंने अपने समय रहते हुए अपने बेटे जो चिराग पासवान जी हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, और जैसे उनके भाई जो थे दलित सेना के अध्यक्ष थे, तो उनके बेटे को जो है दलित सेना का प्रिंस राज जी को दलित सेना का अध्यक्ष बना दिया गया है जी। तो बिहार के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से अभी 2020 में विधानसभा चुनाव था, तो मैं वहाँ प्रभारी था जी जी। तो वहाँ प्रभारी रहने के वहाँ पे जो है हमने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ाया जी जी। तो उसमें जो है हमने 130 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा जी जी, पार्टी ने जी जी। तो वहाँ पर हम प्रभारी बनकर गए थे, तो वहाँ पर यूथ के लिए, युवाओं के लिए चिराग पासवान जी का ज़्यादा जोर रहता है और युवाओं को आगे आना भी चाहिए मेरे हिसाब से जी। बिल्कुल, जब तक युवा आगे नहीं आएंगे जब तक हम लोग किस तरीके से फोकस करेंगे जी। पॉलिटिक्स में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे को मतलब हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, तो फिर वो जो लोग पहले से ही प्रॉपर तरीके से जनता को लूट रहे हैं या जनता के बीच में रहकर उनको धोखा दे रहे हैं जी, तो वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि अब यूथ को और आइकन को आगे नहीं चाहिए। उसी बात को लेकर चिराग पासवान जी से भी हमारा डिस्कस होता रहता है, और बिहार में उनका पूरा वो है, उत्तर प्रदेश में कमेटी है जो के जिसके अध्यक्ष माननीय मणिशंकर पांडे जी हैं जो पूर्व MLC हैं और इस टाइम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी कमेटी का गठन उन्हीं के द्वारा किया गया है, अन्य प्रकोष्ठों को भी किया गया है। अभी लखनऊ में 2 दिन पहले ही थे, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारा काफ़ी अच्छा विज़न है चुनाव को लेकर। जैसे 2020 के चुनाव के बाद हमने यहाँ पे जब आए हैं तो जिला पंचायत का जो चुनाव आया है, क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव अभी होने वाले हैं जी, होने वाले हैं। तो उसमें जो है अभी जैसे आरक्षण को लेकर अभी जो है मामला रुका हुआ है जी जी। अब थोड़े समय बाद जैसे आरक्षण क्लियर हो जाएगा तो हम जो है कम से कम 200 या 250 लोग कैंडिडेट अपनी पार्टी के समर्पित अपनी पार्टी की सौजन्य से लोगों को लड़ाएंगे। जैसे उसमें शाहजहाँपुर है और जैसे आपका मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, जितने जिलाध्यक्ष हैं सब लोग कोऑर्डिनेशन हो चुका है, सबका मीटिंग हो चुका है, सबको कन्फर्म बता चुके हैं कि कहाँ पर कितने लोग का उनको सूची देने के लिए पूरी बोल दिया गया है जी जी। जहाँ जहाँ जिस जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उसी कैंडिडेट को हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी और उसको अपना जिला पंचायत के चुनाव में हम लोग लड़ाएंगे। इसी समीकरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी हम जैसे जिला विधायक के चुनाव हैं, विधानसभा का चुनाव है 2022 में, उसमें भी पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मणिशंकर पांडे जी के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा हमारा चर्चा रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि पूरी आज़ादी है विधानसभा चुनाव को लेकर आपको लड़ाने के लिए, हमारी पार्टी केरला, महाराष्ट्र और बिहार हर जगह पर सर्वाइव है, काम कर रही है यूथ के लिए। अब जैसे आपका सवाल था कि NDA के हम लोग घटक हैं, तो NDA के घटक हम पहले से हैं, साथ हमारे पास जो जितनी भी सीटें हमें दी गई थी जिसमें महबूब अली केसर जी हैं हमारे MP बिहार से,
और एक प्रिंस राज जी हैं और एक चिराग पासवान जी खुद जमुई सांसद हैं, तो और भी अन्य लोग हैं जो सांसद हैं, वो हमारे जितने भी एमपीज हैं, 6 MPs हैं, वो जो है कॉलेबोरेशन में हैं NDA सरकार में। तो हम भारत सरकार में अभी इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं उनके साथ और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से काम करेंगे। मेरा एक अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अगर बात करूं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, तो वो दलितों के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं जी, और बहुत सारा काम किया है गरीबों के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो कोरोना को लेकर भी जो चाहे, क्योंकि वो मंत्रालय रहा उनके पास, खाद्य विभाग का मंत्रालय रहा, और जितना भी जो चाहे वो चावल हो चाहे गेहूँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा कराई गई, लेकिन वो इस समय उनकी अनुपस्थिति कहीं LJP कैसे दलितों को, कैसे युवाओं को मतलब कि अपने साथ ले पाएगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी, तो उनकी अनुपस्थिति में कैसे LJP अपना जनाधार बढ़ा पाएगी? सही सवाल है आपका, मगर यह है कि आपको यह है कि माननीय रामविलास पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हैं और एक आइडियल है संस्था, उन्होंने SC ST उन पर, ये एक सवाल आपका जो था कि SC ST मतलब जो लोग हैं उन्हीं, वो एक उस SC लेवल पे तो उनका जो है तो पूरे देश में बहुत बड़े नेता थे, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, मगर यह है कि उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि उनसे लाभ कोई दलित ही ले पाएगा जी। वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे उनका विजन बहुत बढ़िया था, उनके पास ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, जात पात का कोई मामला नहीं, मुस्लिम समाज को भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। अभी हमारे मुस्लिम समाज से ही महबूब अली केसर हैं, वो MP हैं, मैंने अभी दोबारा आपको बता रहा हूँ जी। और भी लोगों को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके यहाँ जाकर कोई किसी को ये महसूस नहीं होता था कि वो किसी समाज से बिलोंग करते हैं, यह है तो वो सपोर्टेबल थे। अब उनकी जो हमारी मौजूदगी यहाँ पे नहीं है या वो हमारे बीच में नहीं है, तो उस चीज़ को तो अब चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी भी 2 दिन पहले बिहार में एक पासी पासवान लोगों का कुछ मतलब मर्डर वगैरह हुआ है बिहार के अंदर, तो उसमें भी माननीय चिराग पासवान जी वहाँ पर गए हैं, उन लोगों को बीच में रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ उठाई है। और आपको मैं और बताऊं कि ये जो सुपरस्टार अपना बॉलीवुड स्टार बिहार से बिलोंग करता है सुशांत सिंह राजपूत, उनकी ने अभी जो है CBI जांच की बात भी माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा ही उठाई गई थी, जिसकी वजह से वो CBCID की जांच हुई और वो प्रॉपर तरीके से CBCID जांच अभी भी जारी है। और उसी तरीके से एक अभी बिहार के अंदर एक मर्डर हुआ है, जिसमें उस नीतीश सरकार से भी हम लोगों ने मांग की है कि अभी उसकी भी CBCID जांच की जाए। तो पासी पासवान और भी लोग, जितने भी दलित लोग हैं या फिर मुस्लिम लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे एक पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, हम उस विज़न पर काम करते हैं। जब तक सबका साथ नहीं होगा तो सबका विकास भी नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हुए हम लोगों को लाइफ में फोकस करना है जी। हम जात पात में ना फंसते हुए आगे को विज़न हमें लॉन्ग विज़न पर काम करना है, और उसी पे माननीय राष्ट्रीय महोदय भी काम कर रहे हैं, उसमें उनकी पूरी टीम भी काम कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो जी। और हम भी पूरी तरीके से प्रॉपर लगे हुए हैं, और अभी भी मेरा 10 दिन पहले कल तक भी बात हुआ था माननीय चिराग पासवान जी से, तो उनका यही विज़न है कि उत्तर प्रदेश में भी आप अपने स्तर से यूथ आइकन को, जितने बुजुर्ग हैं उनको रेस्पेक्टली बताएं और चुनाव लड़ें जी। चुनाव का हमारा मेन फोकस है, चुनाव लड़ना और चुनाव में अपने लोगों को पार्टिसिपेट करना, उनको सपोर्ट करना, ये सारी मैं चीज़ें माननीय चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही इस चीज़ को पूरा फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में है वो बीच में। अभी 2020 या 2022 के चुनाव में, जैसा बोर्ड विधानसभा के चुनाव में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अभी बीच में, तो हम उनको बुलाएंगे और बिलारी में सब प्रथम बुलाना चाहेंगे जी। क्योंकि मैं वो इस रुस्तम नगर सहसपुर से बिलोंग करता हूँ जी, तो मेरा मानना ये है कि अपने यहाँ बुलाएंगे। सबसे पहले हमने उनसे बोल भी रखा है जी, तो वो कह रहे थे चलिए आएंगे। तो विधानसभा को लेकर काफ़ी फोकस है और पूरे विज़न उनका उन्हीं के हाथ में है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है जी, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे समाज के लिए जी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद में हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YS न्यूज़। YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, YIS एजुकेशन ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण, आज के दौर को देखते हुए
ऐसे रोजगार पर कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपके स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई है एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती श्रीमान मोहम्मद अजीम जी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा सर अगला सवाल है, चूंकि आप बिलारी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, रुस्तम नगर सहसपुर के सर आप हैं, आपकी मातृभूमि है, तो अगर मैं बात करूं सीधा सीधा लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर, बिलारी विधानसभा को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं जी, अगले साल में सर विधानसभा चुनाव भी हैं, इन दोनों चुनाव के लेकर लोक जनशक्ति पार्टी किस तरह देखती है? तो जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो उस पर जो है हमारी जो है जिला अध्यक्ष, जैसे अभी मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सारे जिला अध्यक्ष उस पर फोकस कर चुके हैं, सब अपनी लिस्ट वहाँ सबमिट कर रहे हैं लखनऊ कार्यालय में। तो जैसे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह राठौर जी, जो कि उन्हें पूरी यहाँ के जितनी भी जिला पंचायत सीट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी हम लोग उतार रहे हैं और वो हमारी हमारी पार्टी के समर्थन से वो लोग चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये है कि क्षेत्र में विकास की बात करें तो विकास को लेकर काफ़ी, मैं हम भी यहीं से ग्राम रुस्तम नगर सैंसपुर से बिलोंग करते हैं, तो विकास को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में निराशा है। और उसी जैसे बेरोज़गारी है, मुद्दे होते हैं, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी हमारे क्षेत्र में नहीं है, कोई कोई ऐसा वर्क कोई फैक्ट्रीज लॉन्च नहीं की जिससे जो है लोगों को रोज़गार मिल सके जी, जी। और रोज़गार जो है वो बड़ी चीज़ है, रोज़गार इंसान को रोशनी देती है, सच्चाई की, पेट भरने के लिए खाना देती है। तो रोज़गार का रोज़गारों को इकट्ठा करना, कुछ फैक्ट्रीज लाना, ये सब क्षेत्र हमारे क्षेत्रीय नेता को ये इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और होती भी है जी, जी। जैसे आप इसमें बात करें सांसदीय क्षेत्र, जैसे जो भी हमारे कैंडिडेट यहाँ से निकलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि चुनावी टाइम पर आते हैं जी, जी। और पब्लिक के बीच में रहते हैं, उन लोगों को जो भी कहना होता है उनसे बोलते हैं, और उनका सिर्फ मोटिव ये होता है कि पब्लिक से वोट लेना जी। और वोट लेने के बाद वो लोग पब्लिक की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। जैसे ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर है, हमारा खुद का गाँव है, तो वहाँ पे भी हम लोग भी जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तो उस टाइम पे लोग आते थे वोट लेके चले जाते थे। तो हम मेरे पब्लिक से सबसे पहले यही मोटिव रहता है कि देश के अंदर आप किसी को भी वोट करें मगर आप अपना नेता अच्छा चुनें। अब जब आपका पॉलिटिशियन अच्छा होगा तो आपके लिए घर में खुशी भी रहेगी, रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस टाइम को लेकर जो है 2020 में जो अभी हमारा जिला पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव उसमें हम लोग सहभाग हैं, मतलब भाग ले रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव के जब जो 2022 का चुनाव आएगा तो उसमें भी हमारा पूरा विजन बना हुआ है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ाएंगे पार्टी की तरफ से। अब 30 विधानसभा को लेकर जो कि मेरे अपना गृह क्षेत्र है, तो यहाँ पर लेके भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में निराशा है निर्माण को लेकर। अभी जैसे कुछ गांव में हम जाते हैं तो वहाँ पे सड़क निर्माण को भी लेकर काफ़ी लोगों के बीच में निराशा है जी, जी, जी। और उन लोगों को जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि पब्लिकली उन लोगों के बीच में उन लोगों की मदद करें, अब लाभ की राजनीति ना करें। लोग बाग लाभ की राजनीति करते हैं, अपने वोट उन लोगों से वोट लेते हैं और फिर उनको एक मुलाजिम की तरह, जैसे एक नेता पॉलिटिशियन बन जाता है, तो उस तरीके की राजनीति ना करें। जैसे आप किसी की कोई ज़रूरत है तो वो मुलाजिम बन के बाहर ना खड़ा रहे, वो मालिक है हमारा जी, क्योंकि वो उसने हमको वोट दिया है जी, जी। और वोट इसलिए दिया है कि आप उसके लिए काम करें, आप नौकर हैं उसके जी, सच्चाई ये है। मगर हमारी परिभाषा पॉलिटिक्स की बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। सांसद का इलेक्शन होता है तो लोग यहाँ पर सांसद के लिए वोट मांगने आते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो अन्य जितने भी प्रत्याशी होते हैं, किसी एक प्रत्याशी को लेकर नहीं है, सब लोग अपनी अपनी बात लेकर, भ्रम का जाल लेकर पब्लिक के बीच में पहुँच जाते हैं जी, जी। और उनसे कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, तो उनका वोट का जो सही यूज़ है वो अभी तक विधानसभा में मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। और जो मुद्दे लोगों के बीच में जाने के बाद पता चलते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, किसी का मकान नहीं बना है, किसी की विधवा पेंशन नहीं है, किसी का सड़क निर्माण ही नहीं हुआ है, कोई गांव का प्रधान किसी और ब्लॉक से त्रस्त है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक इतना बुरी चीज़ नहीं है, इसे मेरे नज़र में खिदमत हल के रूप में देखना चाहिए। और आस्था की बात करें तो ये एक मदद का एक ऐसा ज़रिया है पॉलिटिक्स के, अगर इसको सही तरीके से इंसान यूज़ करे तो मदद हर इंसान की, हर धन की, हर लोगों की, माँ बहन बेटियाँ जितनी भी हैं सब लोगों की मदद की जा सकती है। और
इसी बात को मेरा एक आदमी का विजन होता है, विजन बड़ी चीज है जी जी, तो विजन को लेकर 30 विधानसभा में बदलाव की जरूरत है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जो भी पार्टी फैसला करती है, चाहे वो विधानसभा लेवल पे जिसको भी टिकट देती है या हम जिसको अप्रोच करते हैं, जिसको हम लड़ाते हैं, तो हम उसके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और बीच में समस्त उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे उतरेंगे और हम 2022 का चुनाव संपूर्ण ताकत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मणिशंकर पांडे जी की दिशा निर्देशों के बीच में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। एक मेरा एक क्वेश्चन और है सर, बिलारी विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, क्या 2022 की जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्या मैं सीधा सीधा समझूं कि मोहम्मद अजीम कहीं ना कहीं आ रहे हैं? देखिए, ये आपका सवाल ठीक भी है क्योंकि जो गृह क्षेत्र होता है तो उससे आदमी ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो वहाँ का पॉलिटिक्स करे और उन लोगों के बीच में रहे जी। अगर पार्टी का अगर फैसला ये रहता है कि 2022 में मैं विधायक का चुनाव लड़ूँ क्षेत्रीय, तो ये कम्प्लीटली बात होगी, पार्टी के आदेश अगर होंगे तो मैं 2022 का चुनाव जो है उसमें उस समय के आधार पर माननीय मणिशंकर पांडे जी के आधार पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के आदेश पर जो है चुनाव अगर पार्टी कहती है फोर्स करेगी तो हम जो है चुनाव पब्लिक के बीच में जरूर रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हर युवा अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स करता है तो मेरी नज़र में उसको जो उस पॉलिटिक्स के हिसाब से पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, बोलना चाहिए और उन लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक आप लोग फोर्स नहीं करेंगे तब तक पीछे के लोग कैसे उसको छोड़ेंगे, तो इसीलिए जो है कि 2022 में अगर पार्टी मौका देती है तो पब्लिक के बीच में जरूर 2022 के चुनाव में हम रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YIS News। YIS कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, YIS एजुकेशन ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण, आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार पर कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपके स्किल्स को डेवलप, तो आज ही जुड़े YIS से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध हस्ती श्रीमान मोहम्मद अजीम जी, एक बार फिर स्वागत है सर आपका। मेरा एक नेक्स्ट अगला सवाल है आपसे कि इस समय आप देख रहे हैं एक मेन मुद्दा बना हुआ है देश को लेकर, किसान आंदोलन जी। तो सर किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार रखना चाहते हैं? किसानों को मुद्दे को लेकर काफ़ी टाइम से मतलब माननीय टिकैत साहब जो हैं, जो अपने किसान यूनियन के नेता और अन्य किसान नेताओं को जो इस तरीके से उन्होंने एकत्र किया है, इकट्ठा किया है, तो उस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर जो सरकार ने एक जो 3 कानून या जो भी कानून किसानों के लिए लाए हैं, तो उसमें उन्होंने उनका ये एक्सेप्टेशन नहीं है, मतलब वो ये नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो, उस बात को लेकर ये आंदोलन है। मगर किसान जो होता है, ज़मीन, हम भी एक किसान के बेटे हैं और आप भी किसी किसान के बेटे हैं, देश जो है सबसे बड़ा हमारा देश जो है वो किसानों का ही है जी बिल्कुल। तो किसानों को लेकर यही बात है कि किसान अगर किसी अधिकार को लेकर अपनी बात रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात हो सकता है सरकार से फैसला लिया हो और वो उनके समझ में नहीं आ रहे हो जी बिल्कुल। मगर उस बात को लेकर अन्य दल जैसे राजनीतिक दल, आपने लोकजनशक्ति पार्टी को ये कहीं नहीं देखा होगा, ऐसे कहीं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो हमारा फोकस रहता है वो एक ऐसा पॉलिटिशियन का नहीं है कि किसी की लड़ाई में अपनी राजनीतिक मूवमेंट को इन्वॉल्व कर दिया जाए जी। तो देश के अंदर जो जैसे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी आंदोलन को लेकर मेरा ये कहना है कि किसान किसी बात को अगर बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनना और उनकी बात को मानना जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, एक मैसेज ये है मेरा। और जो भी पॉलिटिशियन जो भारत सरकार में हैं उन लोगों को समझना चाहिए, मगर इसकी आड़ में जो लोग राजनीतिक संगठन हैं, जैसे मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो मतलब किसान की छवि को ख़राब कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है जी। वो उनका विज़न ठीक नहीं है कि उसमें महिलाएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं, और किस हिंसक लड़ाई नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी बात है आप उसमें आप इस एक्सप्लेन करें, बताएं, और ज़्यादा जिद और अड़े नहीं,
जी क्योंकि बात पोलाइटली की जा सकती है, शायद बिना बिना झगड़ा, बिना किसी को नुकसान। देश में अगर किसी एक नागरिक का नुकसान होता है तो मैं मानता हूँ कि वो हमारी लिए काफ़ी नुकसान, बहुत ज़्यादा दुखद बात है। जी काफ़ी बातें किसान आंदोलन को लेकर मेरे बीच में आती रहती हैं, सोचता भी हूँ। तो अभी अभी तक किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन को लेकर हमारी पार्टी ने कुछ नहीं बोला है, मगर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है तो उसका प्रॉपर जवाब दिया जा रहा है। तो किसान अपनी बात कहें, उसकी नहीं है कोई परेशानी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, झुका ही जाएगी, उसके बारे में हमारे विचार विमर्श और कुछ सुलहनामे के तौर पर भी दिल्ली में मीटिंग रखी गई, मगर उसमें सहमति नहीं बन पाई। तो अभी भी वो आंदोलन जारी है और सरकार कह रही है कि बात मानी जाए, कि विश्वास है कि आगे चल के ये सब कुछ सही, हाँ ठीक हो जाएगा। देश है, देश में जो जैसे और संगठन है, जैसे इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर पूरे देश में जो है अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है और लोगों ने वोट किया है तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो मेरा मानना यही है कि देश में जो है ठीक है, जिसको हमने प्रधानमंत्री माना है, जिसको बनाया है, तो उस टाइम वो 5 वर्ष के लिए बनाया है तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। देश में सुशासन को लेकर जो है हमारे राजनीतिक जितने अन्य संगठन हैं उन लोगों को सचेत रहना चाहिए, भ्रम की राजनीति ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं। भ्रम फैलाने से लोगों को नुकसान होता है जी जी। और उसका नुकसान डायरेक्टली पब्लिक को होता है और पब्लिक होती है किसान जी या मजदूर जी जी। तो आपको वोट कौन देता है? वोट पब्लिक ही तो देती है, किसान देता है, हम लोग देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब पॉलिटिकल लोगों को सोचनी चाहिए और उसको बिना जात धर्म को लेकर, बिना किसी टिप्पणी करोगे उसको जो है समझना चाहिए और देश में जो है सुशासन रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। और यही बात मेरी कहने की है कि किसान आंदोलन में जो है किसानों को जो है न्याय तो जरूर मिलेगा और न्याय के लिए तो हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं। और अगर कभी ऐसा लगेगा तो इसके बारे में भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से लिखित प्रार्थना पत्र भी दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखित प्रार्थना पत्र पार्टी की तरफ से प्रेषित किया है। अच्छा, बहुत समय हो गया है मेरा चलते चलते, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बस वाइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वाईएस न्यूज़ के माध्यम से खास तौर से गृह अपने क्षेत्र 30 विधानसभा के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाली जो चुनाव है उसमें आप पूरा यूथ, बुजुर्ग, माता बहनें और जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत सोच समझ कर वोट को दें, क्योंकि जो आपके बीच का नेता होता है तो उसमें काफ़ी लोग बाहर के भी आ जाते हैं, तो वो लोग भ्रम का जाल फैलाते हैं। जनरेशन गैप जब आता है तो लोग बाग जो है बदलाव चाहते हैं, तो 30 विधानसभा के लोगों को भी बदलाव की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर रही सांसद की बात तो सांसद में भी हमारी पार्टी या हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और ये मेरा पब्लिक से पूरा कमिटमेंट है कि मैं उत्तर प्रदेश सचिव हूँ और पूरी जिम्मेदारी दी गई है मुझको कि खासतौर पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, मगर यह है कि हम फिर भी अपने गृह क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सांसद की सीट हो या विधायक सीट हो, इस पर भी हमारा पूरा फोकस है, पूरा हम देख रहे हैं। बदलाव पब्लिक को चाहिए और बदलाव नहीं चाहिए, काम चाहिए, नीड फॉर वर्क। अगर आप सही काम करेंगे तो पब्लिक आपको पसंद करेगी और अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। इस बात को कहते हुए संवाद कार्यक्रम के माध्यम से माननीय YIS न्यूज़ के वजह से जो है जनता के रूबरू होने का मुझे मौका मिला और इस बात को लेकर मैं YIS न्यूज़ का एवं समस्त ग्रामीण जनता का, जनता जनार्दन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक हस्ती श्रीमान मोहम्मद अजीम, इनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई देश को लेके, प्रदेश को लेके, बेलारी विधानसभा को लेके, जिले को लेकर हमने बहुत सारी बातों को जाना, चुनाव के लेकर भी जाना। तो ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई हस्तियों को अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, करते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।